नागरिक संशोधन बिल को मंजूर किए जाने पर जमीयत उलेमा ए हिंद के बैनर तले गुड़ागोडची में मौन मार्च निकाला गया और इस बिल का विरोध किया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने इस बिल को भेदभाव वाला बिल बताया। यह बिल भारत की नागरिकता के लिए धर्म को कानूनी आधार बनाता है जो अनुचित है। इसका उद्देश्य तीन पड़ोसी मुल्कों से आने वाले अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देना बताया गया है, लेकिन यह धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, इसलिए इसे वापस लिया जाए। हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं क्योंकि ये बिल जो है देश को तोड़ने वाला है और आपस में जो है भड़काने वाला बिल है और भाईचारे के खिलाफ है, और हम इस बिल की सख्त मजम्मत करते हैं कि सरकार इस बिल को दोबारा से सही तरीक़ा से लागू करे। ये मेरा कहना है आपसे। जी आपका क्या कहना है इस बिल को लेकर? हिंदुस्तान की जो भाजपा सरकार ने जो ये बिल पास करने जा रहे हैं, NRC बिल जो है, इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। आज आज़ादी के टाइम में जो है ना, हमारे उलमा ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी थी इस देश को आज़ाद करने के लिए। आज ये लोग हमसे इस देश के वासिंदे होने का सबूत मांग रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? आपका क्या कहना है इस बिल को लेकर? इस बिल को ले हम विरोध प्रकट करते हैं कि हमारे जितने भी मोहम्मदन भाई है आज़ादी के टाइम में आज़ादी में बहुत शामिल हुए और ये एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो मैं भी इस बिल के खिलाफ। आज इस बात का है कि धर्म के नाम पे जो ये चीज़ें की गई हैं ये बिल्कुल ही सही नहीं है और ये बांटने वाला है, देश को बांटने वाला है, कहीं भी मुसलमानों के हित में ये चीज़ नहीं है। तो हम ये मुतालबा करते हैं सरकार से कि ये बिल वापस ले और इसको सही ढंग से लागू करें।